पर जहां पहले नवंबर महीने से ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकलते थे, वहीं साल नवंबर महीने में गर्मी पसीने छुड़ा रही है। नवंबर महीने में तीन शहरों धर्मशाला, सोलन और कांगड़ा में अधिकतम तापमान में गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अगले 10 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। प्रदेश में आगामी 10 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। इस समय हमारे बीच मौजूद है मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार। जहाँ जाएंगे खासकर जो अक्टूबर नवंबर की अगर बात करें तो ठंड राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश में पड़ जाती थी, लेकिन इस बार जो नवंबर शुरू हो चुका है उसके बावजूद भी देखा जा रहा है सुबह और शाम अधिक ठंड नहीं है। वहीं अगर धर्मशाला की बात करें या अन्य शहरों की बात करें जो तापमान भी अधिक बढ़ा है, जो कि अन्य कई वर्षों के बाद जो बढ़ोतरी देखी गई है, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जी सर, आपका स्वागत है। सर, जो ये तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या मुख्य कारण मान सकते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से हमने देखा कि बारिश नहीं हो रही है। मुख्यतः मौसम हमारा ड्राई बना हुआ है। ड्राई वेदर होने की वजह से, क्लियर स्काई कंडीशंस होने की वजह से तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में। जैसा कि आपने बताया कि धर्मशाला में तापमान काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स दर्ज किए गए हैं। उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सोलन जिला है, सोलन के साथ ऊना है, केलांग डिस्ट्रिक्ट है और उसी के साथ जो हमारा भुंतर भी है, पांच स्थान ऐसे हैं जहां पर पिछले चार दिनों के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स नवंबर के महीने के लिए ऑल टाइम हाई टेम्परेचर्स दर्ज किए गए हैं। जी, अगर देखा जाए ये जो टेम्परेचर है जो न्यूनतम है, कब से लग रहा है कि जो मौसम ठंडक होगा? और खासकर बर्फबारी की बात करें, पर्यटकों को काफी बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि जो खासकर जो कुल्लू और मनाली और राजधानी शिमला हमेशा बर्फ के लिए जाना जाता है, वो पर्यटक भारी मात्रा में, तो पर्यटकों को कब इसकी सौगात मिलेगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अधिकांश स्थानों पर अगले 10 दिनों तक मौसम जो है मुख्यतः ड्राई रहने वाला है, लेकिन कुछ एक जिले ऐसे हैं जैसे कि कांगड़ा, चंबा और लाहौल और स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमें 11 और 12 नवंबर को कुछ एक स्थानों पे हल्के स्तर की बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पे हल्के स्तर की बर्फबारी हमें 2 दिनों तक देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा लगभग सारे जिले अगले 10 दिनों तक ड्राई रहने वाले हैं। टेम्परेचर्स की भी अगर हम बात करें तो ये जो टेम्परेचर्स अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा लगभग 7 नवंबर तक लगातार हमें देखने को मिलते रहेंगे। 8 नवंबर के बाद से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों में ही लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हमें देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर। जी बिल्कुल, ये थे मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 10 दिनों में जो प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जो मौसम है वो जो टेम्परेचर अधिक रहेगा, लेकिन उसके बाद अचानक जो मौसम में परिवर्तन आएगा जिसके पश्चात जो राजधानी शिमला समेत जो समूचे प्रदेश में है अधिकांश क्षेत्र में ठंड होगी। कांशी शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। हिमाचल प्रदेश में